हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। क्या आप भी बीटेक के अंदर और सीएसई ब्रांच में एडमिशन देख रहे हैं, एमटेक करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुको, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज की डेट में जो बीटेक सीएसई हो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, उसमें न्यू कोर्सेज आ चुके हैं। तो क्योंकि बीटेक के अंदर ही अलग अलग ब्रांचेज डिवाइड हो चुकी हैं, स्पेशलाइजेशन डिवाइड हो चुकी हैं, तो आज अगर आप भी एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्टीज़ है वो इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि बीटेक के किस ब्रांच में आप सीएसई की एक्सपर्टीज़ में एडमिशन लें ताकि आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो सके। तो चलिए आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ डॉक्टर अरुण मलिक सर से, जो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। और सर के अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सर को 15+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, सर के 18 पब्लिकेशन हैं, सर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन रह चुके हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर जज रह चुके हैं, और सर की अगर खास बात की जाए तो सर एक्सपर्टीज हैं डाटा साइंस एंड एल्गोरिथम के अंदर। सो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ ताकि हम आपका फ्यूचर सिक्योर रह सके। तो सर वेलकम है आपका हमारे ब्लॉग के अंदर, और आज हम जो बात करने वाले हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर, और स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट से। तो क्या चीज़ प्लेसमेंट में इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको प्लेसमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपकी अच्छी प्लेसमेंट करेगी, तो सर से ही पूछेंगे कि बीटेक सीएससी के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन आपको लेनी चाहिए, कैसे आप अच्छी अच्छी चीज़ें करके अच्छी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो सर हमारे साथ हैं, हम विदाउट लेट के सर से ही पूछते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच कपिल फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन, एंड यू हैव स्टार्टेड द इंटरेक्शन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट लाइफ। नाउ इन टुडे सिनेरियो द स्टूडेंट इज वेरी स्मार्ट, ही डू एवरी काइंड ऑफ सर्वे दैट वट आई शुड डू एंड विच यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आई सेलेक्ट फॉर द एडमिशन सो दैट I'll get placement in a good company. So for that, we are putting a lot of effort to provide placement to the student, and we are offering various UG and PG program in which student can seek placement, take admission and seek placement. So if I'll talk about the UG program, we have regular B.Tech CSE, we have 2+2 international credit transfer option. Okay. Then we are running certain work integrated program in collaboration with the industry, like B.Tech Software Product Engineering in collaboration with Collebration. Then we have B.Tech AI and Data Engineering in collaboration with Futurance. Then we have B.Tech Decision Science and Machine Learning in collaboration with Quantify. So these are the work integrated program where student have to spend 2 years in the university and 2 years he has to work in collaboration with the company and also get stipend for the same. Then we have 3 honors program, B.Tech Honors Cybersecurity and Blockchain in collaboration with CompTIA, B.Tech Honors Data Science and Data Engineering in collaboration with Transorg. Then another program is B.Tech Honors Full Stack Software Development in collaboration with Geeks for Geeks. Then we have an industry collaborative program also, like B.Tech Data Science with ML in tie-up with Upgrade, B.Tech Cloud Computing in tie-up with Google, B.Tech Big Data Analytics in tie-up with IBM, B.Tech DevOps in tie-up with Zapier, B.Tech UI UX in tie-up with Imagine XP. Similarly, we are offering 4 PG program. PG M.Tech, this is a regular program. Then we have a specialized M.Tech also, M.Tech in cybersecurity, M.Tech in machine learning, and M.Tech in data science. See, if I talk about the first category, which is a B.Tech CSE, a regular program, we call it as a vanilla program also. In this program, we are providing specialization to the student in the form of engineering minor in 4th semester. So student opt out of 7 specialization, I'll name it one by one, and that are based on the latest trends and technologies in the field of computer science and engineering. First one is full stack web development, cyber security,
machine learning, data science, internet of things, software testing and methodology, and cloud computing. So it means student jo regular B.Tech program mein admission lega, to it means wo 7th specialization mein admission le sakta hai exactly. B.Tech regular program. In 4th semester, student is able to opt out of the 7th specialization anymore. Okay, so ab aate hain second ke upar. So second category is of work integrated program where student have to spend 2 years in the campus and 2 years with the industry in the form of internship, and student is getting a handsome stipend in that particular tenure. Okay, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. 2 साल कैंपस में रहे और उसके बाद उसको थर्ड ईयर स्टाइफंड मिलना स्टार्ट हो जाए. लेट्स से ओके. सो जो हमारे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के साथ आपने बताया थर्ड एंड फोर्थ, थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में भी बताएं. थर्ड कैटेगरीज ऑफ ऑनर्स प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, एंड फोर्थ वन इज प्रोग्राम इन टैप विद इंडस्ट्रीज. In these program, they are already a specialized program. There is no need to select a specialization from the student side. Already they are the specialized program. Plus point is, here the courses are taught by the industry expert. Industry expert come to campus and courses are taught by them in blended mode, both in offline and online. सो आपको समझ आ गया होगा कि जो आपने बीटेक आके करनी है वो फोर्थ कैटेगरी में आपको कैसे डिवाइड की गई है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड की गई है. आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप रेगुलर कर सकते हैं. तो ये है आप जो बीटेक अडॉप्ट कर सकते हैं सीएससी के अंदर. हमें पीजी और पीएचडी के लिए भी थोड़ा सा बताइए जो बच्चे. सिमिलरली वी आर ऑफरिंग 4 PG प्रोग्राम, एमटेक रेगुलर, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, M.Tech in machine learning, and M.Tech in data science. Okay. In addition to this, we are also offering PhD in computer science and engineering. Okay, sir. So, sir, मुझे ये बताइए, जो बच्चे हमने काफी B.Tech की बात कर ली, काफी explain में बात किया, तो क्या School of Computer Science की USP है और strength है lovely professional university में, जो बच्चा आते ही इतनी अच्छी आप placement करवा देते हो, तो थोड़ा सा बच्चों को बताएं. क्योंकि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो ये चीज़ काफ़ी सुनना चाहते हैं कि वो आए और उनको वो चीज़ देखने को मिले. प्लीज़ सर. सो प्राइमरली प्लेसमेंट, इंटर्नशिप एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग आर द स्ट्रेंथ एंड यूएसपी ऑफ स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. इन एडिशन टू दिस, वी हैव वेल इक्विप्ड लैब्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गूगल, Microsoft, Intel, Apple iMac, VMware, Automation Anywhere, Pega, etc. Fantastic sir. तो बच्चा इन जो आपने स्पेशलाइजेशन और एक्सेलेंसी के अंदर ये चीज़ें बताई, तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो लैब्स हैं, बच्चे जाके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स और ये लैब में एक्सपीरियंस करते हैं. Yes, yes. Students are performing their practicals. They are creating the projects. In our lab, students are creating applications. क्या बात. तो बच्चों को एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही यहाँ पे मिल जाएगी, कैसे वहाँ पे जॉब करनी है जाके. वाओ सर, मुझे ये चीज़ बताइए कि हमारा इंडिया डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ है, और क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आते हैं, और जो हमारे बच्चे डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट जैसे रिमोट एरिया से बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी मीडियम्स के होते हैं बट वो एक्सेलेंट होते हैं, बट उनकी लैंग्वेज कई बार बैरियर होते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में टीच किया जाता है. आप बच्चे साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेसी रहती है कि अच्छी प्लेसमेंट दिलवा देते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में भी आपका देखा है, आपकी 3 crores की भी प्लेसमेंट गई है, तो ऐसा क्या रहता है? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यस, वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्टेट्स, रिमोट एरियाज, फ्रॉम हिंदी मीडियम, फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. डेफिनेटली वी आर पुटिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट. इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर वी आर segregating the student based on the diagnostic and psychometric test. Based on that, we'll filter out the student that what type of input related to the soft skill and communication skill will be provided to the student. And in terms of placement, I'll say that there is no secret recipe behind the placement. It's only dedication and hard work that our placement team and faculty is putting together. And there is no doubt that if I'll say that placement team of CSE is a backbone of the department. Now, if I'll talk about the curriculum, because placement is directly proportionate to curriculum.
So we have a industry-based curriculum focus on innovation, latest technology and research. Now if I'll talk about the curriculum, salient features of curriculum, we have a technology driven curriculum. We are using autograder in the class, and students are getting benefit through autograders in the form like they are be able to do hands-on practice in class. And faculty is also getting benefit from the autograders, like the time they are devoting in doing the evaluation, now they are devoting the time in framing the quality questions. Okay. We have several types of industry tie-ups. Okay. Industry experts are visiting our department to deliver guest lectures and workshops, and they are also delivering the course content also in blended mode. Then we are providing seed money to the students. We are offering engineering minors. We are offering interdisciplinary minors. We are providing opportunity of study abroad and international collaborations. Okay. Then we are providing opportunity to the students to do research, to do entrepreneurships. We have a dedicated entrepreneurship cell where we welcome the student to come up with the idea, and we gear up, we brush up the idea so that they will be able to start their own startup. Okay. So, aaj ki date mein isi liye lovely se startup, sports, engineering, sab mein bachcho ko aap itni opportunity de dete hain ki wo B.Tech education ke saath saath, ye sabse अच्छी बात है कि आप पहले क्या होता था कि आप एजुकेशन कर रहे हो तो एजुकेशन ही कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या था, कोई ना पेरेंट्स अलाउ करते थे ना इंस्टीट्यूट्स अलाउ करते थे कि आप चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो. तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, और डायमंड अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ भी रहे हो, आपको अगर बिजनेस भी करना है तो आपको स्टार्टअप के लिए एग्जैक्टली मनी भी मिल रही है स्टार्टअप, और एक एक्सपीरियंस फैकल्टी स्टाफ सब हेल्प कर रहे हैं. इन एडिशन टू दिस we are also promoting MOOCs, industry certifications and hackathons among the students, and we have made MOOCs and industry certification as a part of our curriculum. So we have mapped certain courses with the MOOCs and we are providing academic benefits. Similar practice we are following in industry certifications also, so that we should be able to prepare our student for industry. Okay. So iska matlab bachcha aapke paas aa gaya तो वो बीटेक तो करेगा करेगा, इंडस्ट्री में भी जा सकता है, वो टेक्निकल स्किल भी सीख सकता है, अपना स्टार्टअप भी कर सकता है, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात बताई इंटरडिसिप्लिनरी, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को सर बताएं. सी इंटरडिसिप्लिनरी माइनर इज अ सेट ऑफ फोर कोर्सेज दैट स्टूडेंट कैन ऑप्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट. आवर प्रायोरिटी इज दैट सपोज स्टूडेंट हैव लर्न द टेक्निकल स्किल्स. ओके. Now, why student will get limited only to the CSE? Why not he'll be able to opt the, he will be able to solve the problem from other domains also. Okay. So, student will get a knowledge that what's going on in the different fields like agriculture, hotel management, human resource, MBA. Okay. So, why not the skills that he learned in B.Tech, he should be able to apply that skills to solve certain societal problems related to some other domains. Okay. मेरे को जो समझ आया, बच्चे के साथ, let's suppose हमारे जो बच्चे farmers के आते हैं, वो CSE कर रहे हैं, और उनको कुछ ऐसा लगता है कि मैं agriculture में भी CSE के अंदर कुछ कर सकता हूँ. Why not? Golden opportunity, like आप not only the agriculture, आप hotel management industry के अंदर, MBA के अंदर कहीं भी जाके. Yes, for hotel management student can build the websites and app related to a particular venture. आप उसकी इक्वेशन सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग ऐप भी बना सकते हैं. Exactly. कि वो क्या फील करते हैं. Yes. दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण मलिक सर का कि इन्होंने आपको कोर्सेज के बारे में, रेगुलर बीटेक के बारे में, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या कोलैबोरेशन करके कोर्सेज चल रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप किस डिसिप्लिन के साथ कैसे इंटरडिसिप्लिनरी वर्क कर सकते हैं, कैसे आपको स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे, कैसे आप और किसी चीज़ में भी कुछ न्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सीड्स मनी फंडिंग रिसर्च के लिए, क्योंकि सर रिसर्च का और सर का आपस में आपको 80 पब्लिकेशन के साथ क्या एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है. तो ये सर ने काफ़ी डिटेल में बताया, तो होप सो बीटेक करने से पहले अब आपको पता लग गया होगा कि मेरे को किस बीटेक में जाना है, क्या करना है, और मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ. तो सर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. इन द एंड आई ओनली वांट टू से वन थिंग दैट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज अ पायनियर इन बिल्डिंग कॉम्पिटेंसी फॉर एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजीज
to make the engineers of today the leaders of tomorrow. Thank you. Sir, thank you so much, sir.